जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान ना की जय, इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान ना की जय, नासरो मंसूर गुर गोबिंद सिंह, इज़ दी मंजूर गुर गोबिंद सिंह, हक रागनजोर गुर गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेस गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर शत्र तख दे मालिक, रूहानियत दे भंडार दया सिंध कृपा निध, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई वड्यां भागां वाले हो, जो अज खालसे दा महान सिरजना पुरब प्रकाश दिहाड़ा शरदा भावना दे नाल इस पावन अस्थान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छोह प्राप्त गुरद्वारा सोमा सर साहिब विखे विसाखी के महान पुरब के रूप में मना रहे हो, चल रहे दीवाना विच सतगुरों का पावन इतिहास गुरु प्यार वाले ढाडी सिंह पासों तुसी सरवण कर रहे सो। आओ कुछ कु मिनटां वास्ते कलगीधर दशमेश पिता महाराज जी की उपमा विच महिमा विच आपो अपनी सुरत जोड़ के हाजरी लाइए ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों विचों मंग करिए, सतगुरु जी जो तुसी बख्शिश कीती है तन करके सानू इस पावन अस्थान ते जोड़िया है, मन करके भी हाजरियां कलगीधर पातशाह के चरणों में लग सकन, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुका के दोवें हथ जोड़
मिलवी आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सतगुरां दे चरणां विच बोल के हाजरी लायो। जिन्हां कोल छोटे बच्चे हन ओ प्लीज़ थोड़ा जिहा आपां प्यार नाल दूर बैठण दा यतन करना है तां जो दरबार विच डिस्टर्बेंस ना पैदा होवे, और बहुत प्यार नाल आपो अपनी हाजरी लाओ। दोवें हथ जोड़ के प्यार नाल आखियो, ऐसे गुर को बल बल जाइए आ मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आ मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल वाह वाह। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल। सारे कृपा करो, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को आप मुकत मोहे, ऐसे गुर को बल बल आप मुकत मोहे। गज के आखो सतनाम श्री, फिर आखो जी सतनाम श्री। ओ कैसा गुरु है, ध्यान नाल सुनियो। जिस सतगुरु दे स्थान ते तुसीं बैठे हो, कलगीधर पातशाह ने खालसा सिरजण तों बाद जिथे आपां कथा कल दे दीवान विच छड्डी सी उत्थों तोरां दा, कलगीधर पातशाह ने खालसा सिरजण तों बाद उस खालसे नाल पंजां प्यारियां नाल एक कमिटमेंट कीती, पंजां प्यारियां नाल एक एग्रीमेंट होया। कमिटमेंट का अर्थ, एग्रीमेंट का अर्थ हुंदा है जिथों कोई भी तिर पिछे नहीं हटेगी, जेड़ा पासा मुकर जाएगा उहदा व्याना मर जाएगा। ख्याल करियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खालसा सिरजण तो बाद जदों पंज सीस लैके खंडे वाटे की पौल छकाउंदे ने, बाद विच आप उन्हां पासों खंडे वाटे की पौल छकी गोविंद राय तो गोविंद सिंह बने। उदण एक बचन कहा, खालसा जी मैं तुहाडे नाल एक वादा करन लगा, इस कमिटमेंट तो मैं मुकरांगा नहीं, और सदियां गुजर जाणगियां
जुग लंघ जाणगे, मेरी खालसे नाल निबड़ी हुई एक कमिटमेंट सदा वास्ते पक्की रह गई। मैं अपने वादे तो पिछे नहीं हटांगा, पर जे तुसी हट जाओगे ते तोड़ा मेरा रिश्ता टुट जाएगा। महाराज वादा की है? जिस वादे उत्ते खालसे ने पवंद रहना है। कलगी तरपाशाह ने बचन कहे, कहन लगे जब लग खालसा रहने आरा तब लग तेज देऊं मैं सारा। कहने मेरा एक वादा एक कमिटमेंट एग्रीमेंट है, जे मेरा खालसा न्यारा रहेगा मैं अपना तेज, तेज का अर्थ हुंदा शक्ति, अपनी ताकत अपनी शक्त शक्ति सब कुछ खालसे विच भर दांगा। ते एक गल चेता रखी खालसा, जब ए गह विपरन की रीत मैं न करूं इनकी प्रतीत। जिस दिन तू अपने दिते हुए वादे तो मुकर गया, विपरन की रीत विच पै गया, उस दिन खालसा तेरा ते मेरा संबंध नहीं रहेगा। हुण विपरन की रीत की है, न्यारापन की है? खालसा एक अकाल पुरख की पूजा विच रहिंदा है। खालसे की डेफिनेशन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी विचों पढ़िओ, साहब कहिंदे ने खालसा वह है जिहड़ा भुल के भी किसी गोर मड़ी मठ नूं एक अकाल पुरख तो सवाए होर पूजा नहीं करता। भुल के भी किसी गोर मड़ी मठ की पूजा विच नहीं पैगा, भुल के भी वर्तां ते बहमा भरमां विच नहीं पैगा, वह खालसा है। जागत जोत जपै निसवासर, एक बिना मन नैक न अन्न, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत, गोर मड़ी मठ पूल न मन, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना न एक पछन, पूर्ण जोत जगै घट में तब खालस तहे निखालस जन। खालसा वह है जिहड़ा एक अकाल पुरख का पुजारी है। खालसा वह है जिहड़ा इस गल ते पवंद रहेगा कि करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहीं कोए, नानक तिस बले हारण जल थल मैयल सोए। खालसा एक करण कारण परमात्मा का पुजारी है, किसी होर का नहीं। खालसा इस गल ते पवंद रहेगा कि एक अकाल पुरख का पूजक रहेगा, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां सब शक्तियां उहदे नाल होणगियां। जिद्दण उह थां थां उत्ते भटकण लग पिया, उद्दण गुरु गोबिंद सिंह महाराज नालों रिश्ता टुट जाएगा। ख्याल करियो, अज अपने अंदर झात मार के वेखियो, स्वय पड़चोल करियो, तुसीं खालसे का प्रकाश पुरब मना रहे हो। आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सिख खवाउने आ, ते किन्ने क पवंद आ गुरु दे वादे ते। अज कोई 500-700 इश्तिहार ला के एक गल लिख दियो कि फलानी जगह उत्ते सुख मिलते ने, फलाने गुरद्वारे जाओ ते असां पूरियां हुंदियां ने, माफ करियो, पूरे पंजाब विच्चों दुनिया आके टुक जाएगी, एक रात पहला आके बह जाएंगे, पार्किंग मुक जाएगी, गड्डी लाने लई पार्किंग नहीं मिलेगी, इन्नी दुनिया आ जाएगी। क्यों? वो कहिंदे ने सुख छेती मिल जाए, पर गुरु ने कहा सिखा तेनों गुरु का तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। जिन्नी देर तू गुरु के हुक्म नहीं बुझेगा उन्नी देर तेन सुख नहीं मिलेगा। हुण ख्याल करियो, पब्लिक सद के एक बार ये कह दियो कि हुक्म मनण वालियां नूं सुख मिलेगा, माफ करियो सारे भज जाणगे, कोई विरला रहेगा। लोग चाहते ने कि उंज ही सुख मिल जाए, कमाउणा ना पवे। इत्थे साहब ने कहा हुक्म मन के सुख मिलेगा। जिन्हां पंजां ने सीस गुरु नूं भेंट कीता है उन्हीं हुक्म मन के भेंट कीता है। आपां ते हुक्म मनण लई तैयार नहीं, 40-40 साल गुजर गए गुरुद्वारे आउंदिआं, अजे तक एक भी हुक्म गुरु दा नहीं मन्निआ। गुरु पहला हुक्म कहिंदा है कि नशे की वरतों करन वाला मेरा सिख नहीं। तुसीं ख्याल करियो, अद्ध नालों वध सिख पींदे ने, जिहड़े नहीं पींदे उह पैलसां विच पलाउंदे ने। हुण इह मेरियां गल्लां तुहानूं चंगीआं नहीं लगणगीआं, क्योंकि कौड़ी सच्चाई है।
जिस दिन तू गुरु का हो जाएगा उदन पीनी ते दूर दी गल पैलस विच बच्चियां दे व्याह ते पला भी नहीं सकेगा। खालसा उन्हूं कहिंदे साडे कर्म विच खोट है इसलिए खालसे नहीं हो सकांगे। कलगीधर पातशाह ने बचन कहा खालसा तू मेरे दिते वादे ते पवंद रही फिर वेख जिन्नियां शक्तियां मेरे कोल ओ तेरे नाल वरत जाणगियां। एवें नहीं कहा सी कि 1,25,000 से एक लड़ाऊ लड़ाके दस्या चमकौर दी गड़ी विच 1,25,000 दे नाल गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक खालसे नूं लड़ाया। ओ किवें जदों ये गल कह दित्ती खालसा तू न्यारा रही मेरे ते आस रखी मेरी सारी ताकत तेरे विच होएगी हुण कलगीधर पातशाह दी सारी ताकत वरत दी एक एक खालसा 1,25,000 नाल लड़ पैंदा। नहीं तो बंदे दे हथ विच की ताकत है कि हाथी दे सिर विच नागणी मारे ते हाथी दे 7 तवे लोहे दे पाड़ के हाथी नूं घायल कर दे। ये बंदे विच ताकत नहीं पर भाई बचित्र सिंह जी ने बचन कहा सी पातशाह मेरे विच ताकत नहीं है कि मैं हाथी ना लड़ सकां पर कलगियां वालिया मैनू इन्नी आस है कि जे तू मेर दा हथ मेरे सिर ते रख दे एक हाथी ते की पहाड़ियां दे सैकड़े हाथी मेरे सामने कुछ नहीं हवा विच उड़ा दंगा। और वो कुछ वापरिया क्यों वापरिया क्योंकि साहब ने वादा किया सी कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊं मैं सारा जब वे गह विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत प्रतीत दा अर्थ भरोसा। ध्यान नाल सुनियो ये सिख गुरु दे चरणां विचों रोज मंगदा भी है कि सिखां नूं सच्चे पातशाह विसाह दान प्रतीत भरोसा दान बख्शो क्योंकि सब तो पहला रिश्ता जदों गुरु नाल सिख दा जुड़ेगा उदों विश्वास दे सिर ते जुड़ने जे विश्वास प्रतीत ना बनी ते रिश्ता नहीं जुड़ सकदा। इसलिए आपां मंगी दा भी है बख्शो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान। उहदे विच भरोसा ते विसाह दान दा अर्थ ही यह है सिखा गुरु कोलों मंग तेरे अंदर प्रतीत आ जाए विश्वास आ जाए जे विश्वास बन गया रिश्ता कदे भी नहीं टुटेगा। तुसीं सियाणे सज्जन बैठे हो भरा ते भरा दा रिश्ता तां निभदा जे दोवां विच विश्वास है ते दोवां दा प्रेम बनिया रहेगा कदे भी नहीं टुटेगा। जे विश्वास ना रहा ते प्रेम कदे बन ही नहीं सकेगा। जेड़े रिश्ते विच प्रेम नहीं वह रिश्ता टुट जांदा है। पति ते पत्नी दा रिश्ता विश्वास दे सिर ते खड़ा है जिद्दन विश्वास टुट जाए उद्दन प्रेम टुटदा है जिद्दन प्रेम टुट जाए उद्दन रिश्ता भी टुट जाता है। हुण ख्याल करियो सिख ते गुरु दा रिश्ता विश्वास दे सिर ते खड़ा है। जे सिखा तैनूं गुरु ते विश्वास है तां गुरु तेरे नाल प्रेम वाला रिश्ता निभाएगा। जिद्दन तेरा गुरु ते विश्वास ना रहा उद्दन रिश्ता टुट जाएगा। तेरा ते गुरु दा रिश्ता विश्वास दे सिर ते खड़ा है। देखो एक रोगी ते डॉक्टर दा रिश्ता विश्वास दा रिश्ता है। दवाई उदों काम करदी है जदों विश्वास आ जाए। जे विश्वास ना आए जिन्नी मर्जी महंगी दवाई होवे वह कम नहीं करेगी। सिखा तेरा ते गुरु का रिश्ता विश्वास के सिर ते निभणा। जे तू विश्वास ना किया फिर गुरु नूं दोष ना देई। सतगुरु कहणगे कि अपनी प्रतीत आप ही खोवे वोर उसका विश्वास ना होवे। तू अपनी प्रतीत आप गवा ली हुण गुरु तेरे ते विश्वास नहीं करेगा तेरा ते गुरु का रिश्ता नहीं निभेगा। देखियो जिन्होंने विश्वास किया कल्ले उन्हां दा अपना ही भला नहीं विश्वास करन वाला किसे दी भी अरदास करदा उहदा भी भला हो जाएगा। ये ध्यान नाल बचन सुनियो जिस दिन कोई विश्वास करदा उस दिन अपने जेन विच गल लियानी उदन विश्वास करन वाले दा ही भला नहीं जे विश्वास करन वाला किसे दूजे दा भी आसरा दे दे तां अरदास कर देवे दूजे दा भी भला हो जाएगा। इतिहास विच एक छोटी जी घटना घटी मैं पैराग्राफ तुहाडे समक्ष करना सिर्फ ध्यान दिवाउणा कि विश्वास वालियां दी आस गुरु क्यों नहीं टुटण दिंदा। जिन्हां दे अंदर विश्वास है उन्हां दी आस कदे नहीं टुटेगी।
एक जरनैल दिल्ली दरबार विचों तुरिया और गुरु विच ताकत वेखियो, जिहड़ी ताकत गुरु गोबिंद सिंह महाराज कमिटमेंट करदे ने कि मैं अपने खालसे विच भर दांगा, वह किन्नी ताकत है। जदों वह दिल्ली तो तुरिया तो सौं खा के कसम चुक के तुरिया, मैनू 10,000 फौज दे दिओ, गुरु गोबिंद सिंह जिउंदा जां मुरदा मैं दिल्ली के दरबार च पेश कर दांगा। फौजां लैके तुर पिया, पर जवानी का फौजां का माण सी, इन्हें पंजाब विच प्रवेश किया ते दे मन च ख्याल आया मना गुरु गोबिंद सिंह नूं ते पकड़ी लैणा है। जांदिआं जांदिआं पंजाब विच मेरी भैण वसदी है ते भैण नूं मिल जावां। इन्हें अपने हाथी का घोड़े का मूँह फौजां समेत अपनी भैण के सहुरे पिंड सडौरे वल कर लिया। कई पिंडां तक फौज ही फौज दिसे, अपनी भैण के पिंड आया। लोग पुछदे ने कौन है, कहिंदे ओ जिहड़ा सडौरे वाला पीर है ना बुद्धू शाह, उहदे घर दी बेगम नसीरां, ओ नसीरां दा सका भरा है, उहनूं इन्नी फौज दिल्ली तो मिली हुई, बड़ी इज्जत बनी, बड़ा माण बनिया भैण दा भणोईए दा। रात दा भोजन प्रशादा छकिया ते प्रशादा छकाउंदिआं ताजा ताजा बणदा बणदा प्रशादा भैण परोसदी है। प्रशादा छकाउंदिआं छकाउंदिआं पुछ लिया, वीरा लोकी कहिंदे ने तेरे कोल इन्नी फौज है, किधर चलिया इन्नी फौज लैके, इन्नियां फौजां तेरे कोल किधर जा रहे हैं। ते अहंकार दे परे हुए ने गल कही, कहिंदा इधर पहाड़ां विच कोई पहाड़ी इलाके च गुरु गोबिंद सिंह रहिंदा है, उहनूं पकड़न वास्ते चले। भैण नसीरां दे हत्थों प्रशादा डिग पिया। एक दिन दिल एकदम दिल घबर गया ते एक गल कही, ना वे वीरा गुरु गोबिंद सिंह नूं पकड़न दा सुपना छड़ दे, ओ गुरु गोबिंद सिंह व्यक्ति नहीं अलाही शक्ति है, उहनूं पकड़िया नहीं जा सकदा। कहण लगा मैं नहीं इह गल मंदा, कसम चुक के आया दिल्ली दे दरबार चों, पकड़ के जावांगा, गुलाम बना के लैके जावांगा। भैण ने सोचिया अहंकार नाल भरिया, इहनूं गल समझ नहीं आउणी। रात लंघ गई, सवेरे उठ के जदों नसीरा ने नवाज अदा कीती ते आनंदपुर साहब वल मूँह करके हाथ जोड़ के अरदास कीती, कलगियां वालिया मेरी अरदास है ते मेरा विश्वास और आस है कि तू अरदास कदे व्यर्थ नहीं जान दिंदा, मेरा भरा अहंकार नाल भरिया आ रहा है, कलगियां वालिया कृपा करी इनू पकड़ के अपना बना ली, ये तुहानू गुलाम बनाण आया है, कलगियां वालिया तुसीं इनू गुलाम बना लियो, अज वेखो आस वालियां दी अरदास कित्थे कम करदी है। अरदास हो गई पर आस सी, प्रतीत सी, विश्वास सी। अगले दिन यह पहुंच गया नूरपुर बेदी दे इलाके विच, इन्हें सारी इनकुआरी लई किन्नी फौज गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल, किन्नी दूर आनंदपुर साहब। सिख तवारीख कहिंदी है 13 मील दी बिथ ते यह रुक गया, कल सवेरे दिन चढ़न का इंतजार कर रहा है, दिन चढ़ेगा तो गुरु गोबिंद सिंह ते हमला करके पकड़ लांगा। शामा पईआं बड़े बड़े पतीले दी फौज लई जरनैलां लई मास दे रिजे, ये बड़े बड़े पलंग उत्ते बैठा अपने साथियों नाल गप शप ते खेड कर रहा है। बैठियां बैठियां चौपड़ दी खेड हार गया। कलगीधर पातशाह ने किला आनंदगढ़ साहब की धरती तो एक तीर मारिया जिहड़ा सीधा इहदे पलंग दे पावे च वज्जा, वह तीर की नोक सोने नाल मड़ी सी, वेखण वालियां झट कह दिता इह तीर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा। इन्हें अपने जसूस सदे, बड़े गुस्से विच पुछदे आनंदपुर साहब किड्डी दूर है, उन्हें कहा जी 13 मील। कहन लगा जाते गुरु गोबिंद सिंह महाराज किते नेड़े तेड़े बैठे ने, नहीं तो एड्डी दूर वह तीर नहीं मार सकते, जे आनंदपुर साहब तो तीर मारिया फिर गुरु गोबिंद सिंह करामाती है। कलगीधर पातशाह ने एक तीर होर मारिया दे पावे च, उहदे नाल इक चिट्ठी वधी है, वह कागज ते एक सत्र लिखी है, ए सैद खां गुरु गोबिंद सिंह करामाती नहीं, गुरु गोबिंद सिंह करामात नहीं विखाउंदे, यह मेरी शस्त्र विद्या की कला है, एहो जी कला ते मेरा कला कला सिख विखा सकदा है, 13 मील की विथ ते निशाना मेरा कला कला खालसा ला सकदा है।
क्योंकि जिहड़ा प्रतीत करन वाला है उहदे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शक्ति वरतेगी। हुण ख्याल करियो, इहने चिट्ठी पढ़ी, अंदर हिल गया, अंदरों ही फिर अरदास कीती, जा गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जे तू वाकया मेरी भैण दे कहण अनुसार अलाही शक्ति है तां मदाने जंग विच कल मेरे सामने एक बार आई, मदाने जंग विच एक बार दर्शन दिओ। अरदास कीती, रात लंघ गई, सवेरे दिन चढ़िया, ने तड़के हमला बोल दिता। उधर कलगीधर पातशाह की तैयारी सी, कमसान की जंग मची, ते शिखर दुपहर जदों जंग लड़दियां हो गई, कलगीधर पातशाह आप तैयार होए जंग विच आउण लई। जदों तुरन लगे ना, भाई दया सिंह जी ने बचन कहा, पातशाह जिन्नी देर तेरे पंज प्यारे जिउंदे ने उन्नी देर गुरु नूं जंग विच जाण दी लोड़ नहीं, कलगियां वालिया असीं जिउंदे आ, तुसीं क्यों जाओगे जंग विच। सच्चे पातशाह ने उदों बचन कहे, कहिंदे भाई दया सिंह हुण जंग बदल गई है, जंग तीरां कमन्ना तलवारां दी नहीं रही, जंग कोई होर हो गई, हुण सानू मदाने जंग विच जाना पैणा है। एक ते किसे ने विश्वास विच आके अरदास कीती है, ते जिहड़ा विश्वास विच अरदास करे गुरु गोबिंद सिंह नूं हाजिर होना पैंदा भावें मदाने जंग हो। कलगीधर पातशाह तैयार होके आप जंग विच आए, भखदे होए जंग विच सैद खां दे सामने हजूर ने उच्ची आवाज विच नेत्र मिला के कहा, सैद खां कोई भरम ना रह जाए, वेख गुरु गोबिंद सिंह आ गया, जे वार करना ते कर। बस नजरां मिलन दी देर सी, नेत्रां विच नेत्र पैण दी देर सी, सैद खां दी सब शक्ति अंदरों खिंची गई, इहदियां अखां च विराग उतर आया, अपने घोड़े तो उतरिया, ते कलगीधर दशमेश पिता दे रकाब विच टिके होए पैर हजूर दे चरणां विच ने सिर रख दिता। नेत्र मिलन दी देर सी, कलगीधर दशमेश पिता दा ओ तीर चल गया, जेड़ा तीर किसे बिरले ते भागां वाले ते चलदा है, ओ तीर पता किहड़ा है, उहनूं साहिब दी बाणी ने कहा, हर कुत्ते मेरा गुरु ए तीर नहीं चलाउंदा, किसे बिरले भागां वाले ते ए तीर चलाउंदा है। हजूर दी बाणी ने कहा, कबीर सतगुर सूर में वाया बाण जुए का, लागत ही पोए गिर परिया परा करजे छेक। ऐसा प्रेम दा तीर कलेजा बिन्या गया, सैद खां रो पिया, साहब ने इहदे सिर ते हथ रखिया, इहने उच्ची आवाज विच लड़दी होई फौज नूं कहा, ओ तुरकां दी फौज मैदान छड के भज जाओ, जाके औरंगजेब नूं कह दिओ कि सैद खां नूं गुरु गोबिंद सिंह ने गुलाम बना लिया। पूरी उम्र लई सैद खां गुरु गोबिंद सिंह जी दा गुलाम हो गया। क्यों? ये ओ शक्ति दा मालक है गुरु, जिहदे विच इन्ना तेज है, अपना तेज अपने खालसे नूं दे दिंदा है, पर शर्त है कि खालसा प्रतीत विच पवंद रहे। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा, जब वे गह विपरन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ते साहब ने कहा, जे तू रस्ते तुक गया, तेरा मेरा रिश्ता टुट जाएगा, पवंद नहीं प्रतीत ते, फिर तू जो मंग लेंगा वो तेरी झोली पा दांगे। एक कथा मैं जरूरी तुहाडे समक्ष रखनी चाहवांगा और तुहाडे कम आएगी, नौजवान बच्चे भी विच बैठे ने, तुसीं अगां भी दसणी। नकुदर दे नज़दीक एक पिंड है, एक कथा मैं पहलां लाइव तो भी सुनाई ते इत्थे भी दसी, और अज दे दिन ते टुकदी है, ध्यान नाल थोड़ा सुन। नकुदर दे नज़दीक एक पिंड है, वह पिंड का नाम है पंडोरी खास। उस पिंड ने वड्डे वड्डे कबड्डी दे प्लेयर पैदा किए ने, प्लेयरां करके, विद्वाना करके, पलवाना करके, ज्ञानवाना करके पिंडां दा नाम रोशन हुंदा है, और उस पिंड ने वड्डे वड्डे कबड्डी दे प्लेयर पैदा किए। पिछे जिहड़ा करोड़ां दा कप कबड्डी तुसीं टैलीविजन ते वेखदे हो, इंग्लैंड वल दे पासिओं उह नौजवान पंजाब दा पंडोरी दा खेडिया। हुण उहदी प्रभता होई, माण सत्कार मिलिया,
ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, 6.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪੌਂਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਠਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਲਈ ਦੱਸਾ, 20,000 ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ 20,000 ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੌਂਡਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਐਸਾ ਯਕਲਕ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਇਹਦਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, 19 ਦੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। 4 ਦਿਨੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਈ, ਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ ਆਪਣਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਡਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਮੁਇਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦਿਸੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਐਨਰਜੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਐਡਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਲਸਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਪਿੰਦਾ ਪੰਡੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ
एक बार मैनू कबड्डी खेडण दे जोग बना दे, करोड़ां दे कप विच मैं कबड्डी खेडां ते लोक कहण गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा कबड्डी खेड रहा। अज जो नौजवान गुरु ने कृपा की ते वेखियो इसे साल आउंदे करोड़ां दे कबड्डी कप विच दुबारा खेडेगा। तुसी लाइव उन्हूं देखोगे, ये सब कुछ गुरु की बख्शिश। जेडे गुरु कोल बैठे हो ये इन्नी समर्था का मालक है, पर एक शर्त है कि न्यारा रही। ये ना हो इत्थे भी मत्था टेक जाए ते नहर विच नारियल भी तार दें, ये ना होवे अरदास इत्थे भी करें ते धागे तवीत जाके ढंडारी तो भी तू बनाउंदा रवे। जिदन इन्हां कर्मां विच पै गया उदन गुरु का सिख नहीं रहेगा। ये गुरु ने कमिटमेंट की कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊं मैं सारा, जब वे गह विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। पर सुख कदों मिलेगा तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पर। अज लोड़ है इस गल दी, मैं कल भी बेनती की सी अपन खालसे बन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा व्यवहार अपन बदलना पैना। अपने व्यवहार विच खोट है ते खालस किवें हो जांगे। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। गुरु की शर्त है व्यवहार सच्चा कर फिर तू खालसा हो जाएगा। पर उदे वास्ते थोड़ी जी उखियाई आनी, थोड़ा जहा डर लगता है बंदे नूं कि मैनूं घाटा पै जाएगा, मैं पिछे रह जाऊंगा। नहीं, गुरु ते विश्वास रख के तुरो, मेरा गुरु तुहानूं घाटा नहीं पैण देगा। गुरु ते विश्वास रख के कारोबार करो, किसे कारोबार विच घाटा नहीं पएगा। पर गुरु ते भरोसा होवे, जिदन तू बेईमानी दीआं चीजां बेचण लग जांदा है उदन गुरु नाल तेरा रिश्ता टुट जांदा है। अज इस गल दी लोड़ है कि आपां वाकई खालसे होईए, आपां निर्मल बनीए। और सनिमर बेनती है जिन्होंने खंडे वाटे की पौल छकी है वह गुरु अगे अरदास करो निभ जाए। जिन्होंने ये दात नहीं मिली वह अरदास करो कि साड़ी झोली विच दात पवे, क्योंकि सिक्खी किसे दे प्यो दी नहीं। जिदन कलगियां वाला देण ते आउंदा उदन उस घर विच बख्श दिंदा जिथे सिक्खी की गल ही कोई नहीं। जिदन खोण ते आउंदा उदन वड्डे वड्डे जथेदारां दे घरों सिक्खी खो लैंदा। ये सिक्खी ते किसे दा जोर नहीं है कि सिक्खी मेरी है जी, वड्डे वड्डे जथेदारां दे घरों सिक्खी खो लई। ते जिदन देण ते आया उदन मेरे पातशाह ने उन्हां घरां विच जिथे सिक्खी का पता ही नहीं सी वड्डे वड्डे कीर्तनिए पैदा कर दिते। गुरु की दात है, इसलिए अरदास करो मेरा सतगुरु तुहाडे घरां विच सिक्खी दवे ते घर विच बाणी पढ़नी शुरू करो। भावें थोड़ी पढ़ो पर बाणी का जाप करो सवेरे शाम। क्यों, जे मीह किते खन्ने भी पै जाए ना ते ठंडी हवा सन्ने वाले इत्थे टिब्बे तक जरूर आ जाती, भावें मीह खन्ने पिया हो। जे बाणी एक जना भी घर विच पढ़न लग जाए उहदा असर तुहाडे पूरे घर विच होण लग जाणा। अपने आप घर परिवार विच असर होएगा जे बाणी पढ़न लग जाऊंगा। इसलिए यतन करो, जे अज विसाखी पुरब मना रहे हो कल्ला बाहरों इशनान करके ना चल जाओ, अरदास करो कलगियां वालिया साढ़े अंदर का इशनान हो जाए। अपनी बाणी ते बाणा बख्शिश करो ता जो ये लोक भी ते परलोक भी, जिहदी जिम्मेवारी गुरु लैंदा ये लोक सुखी है परलोक सुहेले हो जाणगे। पर उहदे वास्ते विश्वास नाल तुरना पैणा, थोड़ा अंदर आत्म विश्वास चाहीदा कि जे मैं सच्चा काम कीता ते घाटा नहीं पएगा। जिहड़े कारोबार करदे हो फिक्स रेट लिख दिओ, थोड़े दिन औखा होना पैणा है पर प्योर चीज बेचो, दुनिया विच भी शोभा खट्टोगे गुरु दे घर भी वड्याई मिलेगी। हाँ, वह वक्री गल है, पाउडर बेच के पाउडर वाले कैमिकल वाले तुसीं पनीर बेच के कोठियां पा लो वह वक्री गल है, पर उहदे विच सकून नहीं मिलेगा, उहदे च दुख रहेगा। जे तुसीं सुख चाहुंदे हो जिन्ना जिन्ना व्यवहार दिता आपां सच्चा करिए उहदे विच घाटा नहीं पएगा। ये लोक ते परलोक सुखी हो जाणगे। जिस गुरु कोल बैठे हो वह लोक की भी जिम्मेवारी लैंदा ते परलोक की भी जिम्मेवारी लैंदा। झूठा गुरु जिम्मेवारी नहीं लै सकता, पता क्यों, उहदा ते अपना पता नहीं कदों जेल च जाना पै जाए। सच्चे गुरु ते विश्वास रखियो, ये लोक विच भी नाल खड़ा है
परलोक तक भी अपने खालसे दे नाल जांदा है, बस शर्त के सिख पवंद रवे, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊ मैं सारा। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। एक बार गुरु चरणा में सीस चुका के कलगी तर पातशाह दे चरणा चो सीस लईए, हाथ जोड़ के कह दो, ऐसे गुर को वल बल जाइए आमुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को वल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को वल बल आप मुकत मो बाबा, ऐसे गुर को वल बल ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को गज के धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी, धन श्री धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन साहिब जी, धन धन ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बाबा ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल आप मुकत मोहे तारे। सतगुरु कृपा करन साडा विश्वास इस गुरु ते बन जाए, फिर वो लोक ते परलोक विच जो तुसी मंगोगे वो गुरु दिंदा है, पर थोड़ा सबर रखना पे। ना सबर होण करके असी धोखा खा रहे हैं। हुण मैं नाम नहीं लवांगा, इत्थे लुधियाणे छोटा जिहा बाबा बनिया होया और हजारां लोग उहदे कोल जांदे ने, हजारां ही, और एडी वड्डी उत्थे इक नहीं, इत्थे इक अद्धी घटना आउंदी, हजारां गुप्त रह जांदियां ने घटना। उहने भरम विच पा के उह परिवार नूं लुट्टिया, इक नूं नहीं अनेकां नूं लुट्टदे। उह कहिंदा जी साडा कारोबार फेल, कहिंदा जी तुहाडे कोल तां बहुत पैसा, उह कहिंदा जी मैं ते किस्त नहीं दे हुंदी, फैक्टरी फेल हो गई। कहिंदा नहीं तुहाडे घर विच खजाना है, कितने कढ़ना पैना, नजर मारांगे असीं। वो नजर नुजर मार के कहना खजाना है 11,000 रुपया जमा कराओ, मैं मंत्र पढ़ा। उन्हें 11 देता बेचारे ने, हुण लालच विच बंदा 11 भी दे देंदा, पता भी खजाना मिलना। फिर थोड़े दिनों बाद गए, कहना खजाना तो है, लभ गया, तुहाडे घर च ही आ, नींह पट्टनी पैनी। उत्थों खजाना शेष नाग बैठा उपर, बड़ा औखा है, 11,000 होर दिओ। उन्हें 11 होर दिता, 22,000 उहदे कोल चला गया। 22,000 रुपया लैके खजाना खजूना कोई नहीं निकलिया, भरम विच पा के मैनू दुख होया। वह बंदे सरदार सी, सिख सी, वह गुरु दे सिखो, गुरु ग्रंथ साहब दे हुंदिया तुसी ऐस कदर लुट्टे जाओ, कमी गुरु ग्रंथ साहब की नहीं, साडी है, दोष साडा है, आपां मन्निया नहीं। वह दोवें तिमी आदमी चले गए। उन्हें कहा फलाने दिन रात को आयो, कुछ चीज़ां समान नारियल दिता, जाओ बंदे नूं कहा नीलो नहर उत्ते तार के आ। वो नहर ते तारन चला गया, कला 22,000 नहीं, उन्हें उस दे घर वाली बीबी की इज्जत नूं भी हाथ पा लिया। एडिया वड्डिया घटनावां घट जांदियां ने, क्यों लुट्टे जा रहे हो? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब नालों टुट गए। वह माई ने फिर रो के, परसों दिन दो दिन होए, रो के गल दसी कि नहीं, मैं रिश्तेदारां नूं नहीं दस्सिया, पर भाई साहब आ कुछ वापरिया,
इस तरह लुटे जा रहे ने। मेरी हाथ जोड़ के बेनती सिखो किते ना भटकियो, इस दर तो जो मंग लोगे तुहाडी झोली पेगा। गुरु ने लिख दी एग्रीमेंट कीता है, जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, पर विश्वास ते आस रखियो मिलेगा जरूर। इनिया बेनतियां प्रवान करनिया, पुल चुक की खेवा बख्शनी, अगला प्रोग्राम सरवण करो। धन्यवाद है सत्कार योग बाबा गुरदेव सिंह जी कार सेवा वाले दा, जो बहुत माण देंदे ने, और इन्हों का माण ही इन्ना आ कि इन्हों का बचन जिहड़ा उह हुकम बन जाए। फिर भावें किड्डा भी प्रोग्राम होवे, किड्डा पुरब होवे, ये फिर पहलां हुक्म दे के ताड़ देंदे। सो ये हुक्म नहीं इन्हों का, असी तां असीस समझदे हाँ जो गुरु कर दे इस स्थान तो बख्शे ने। साहब ने कहा मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। उन्हां गुरसिखां दी, उन्हां सतपुरशां दी संगत करो जिन्हां ने अपना तन मन गुरु नूं भेंट कीता होया। अपना नहीं है कोई, असीं इत्थे भी आए तो अपने लिए मंगण आए, असीं इत्थे भी आए तो पुत्तां धीआं लिए मंगण आए। मैनूं माफ करियो, इन्हां ने जो करना बना के सब कुछ एक गुरु का है, तो संगत नूं सौंप जाना, अपने लिए नहीं कुछ ना। इसलिए परोपकार लिए आउंदे ने, यतन करो, सतपुरशां दी संगत करो, सेवा करो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी इस स्थान तो खुशियां प्राप्त करो। पुल चुक दी खेमा बख्शनी, सब नूं लख लख वधाइयां खालसे दे महान प्रकाश पुरब ते। मेरियां पुल्लां बख्श देनियां, गुरु दे बचन हिरदे विच वसा लैणे, असीस देनी, सतगुरु कृपा करन साडा वी इस कथा नाल जीवन बन सके, तां जो आप संगत दी चरण धूड़ नाल जीवन जन्म सफल हो सके। सब दा धन्नवाद, बख्शो असीस, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी।